अरे बात सुन, देखिए ऐसे बात करे जी नहीं, आगने बड़े जल से देखे चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या बन रहा तेरा, हम बेवकूफ है जो आ रहे, आपको छोड़ो जिसको वोट पसंद हो डाले नहीं, जिसको वोट ये आपकी तो जबरदस्ती होगी, सुनेंगे नहीं और कौन सुनेगा, आप फिर एमएलए बन जाओगे तो आप तब भी नहीं सुनोगे, बने हैं ना गांव में बने हैं। अरे यार तो रहने दे, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बात करे जी नहीं, आगने बड़े जल से देखे चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या बन रहा तेरा, हम बेवकूफ है जो आ रहे, सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल दिया तो करा जाए सर, ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती कर रहे हो क्या है, जबरदस्ती कर रहे हो, मैं मेरी बात कहने आया हूँ, आपको छोड़ो जिसको वोट पसंद हो डाले आप तो दबा रहे हो, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार वो कर रही है, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ, आप देखे कि आपके अगली बात सुनो, सारे जमींदार बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ जरा, एक बात सुने, अरे एक बात कह रहे भैया सुन लो, मैं बोल रहा हूँ जरा आप मतलब की बात सुनो, यार बात करो, अब आप ये देखो गांव में जो डिग्गी खोदते हैं ना जी, जो जमींदार खेत में डिग्गी बनाता है उसमें 75% सब्सिडी देते है ना सरकार, जो खेत में सोलर का पंप लगता है, जो सोलर पंप लगता है उसमें उसमें 75% सब्सिडी देते हैं, हमारे थर्मल में जो बिजली पैदा करते हैं ना जी, उस बिजली पैदा करने में हमारा 4.40 रुपए खर्च होता है, और ट्यूबवेल पे जमींदार को 10 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं, ये हमारी बातें कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। और अगली बात सुनो, अरे सारा गांव एक तरफा जगह वोट एक तरफा पड़ेगा, ये जबरदस्ती है आपकी तो, ये आपकी तो जबरदस्ती होगी, सुनेंगे नहीं और कौन सुनेगा, आप फिर एमएलए बन जाओगे तो आप तब भी नहीं सुनोगे, फिर अभी नहीं सुन रहे बाद में कब सुनोगे, एक मिनट तू क्या बोल तो लेने दे, क्या करना था अभी नहीं सुन रहे साहब, तो फिर बाद में कब सुनेंगे, वो बता दे, तो अभी नहीं सुन रहे तो बाद में नहीं सुनेंगे, वो बता दिया सुनूंगा बॉर्डर पे चल जाओ, ये सीधे बोलने लग रही ना कौन को तमी की सामाजिक काम में गया था बताने चला जाओ लिखने कर लूंगा तो यार बेइज्जती करने आ रहे हो सीधा, क्या कोनी कोई मतलब हमने वोट की ताकत होगी हम ना, जो इतनी तो बात होगी सवाल जवाब पे कर इसका, हाँ सवाल जवाब खड़े रहे छाती ठोके सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।
बीजेपी सरकार वोट तो करियो मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद तो क्यों मेरे मारे बड़े जो डाटा माना है ये आज को करोगे ये उसने शामन के बोला बोला परना वाले के बात है ये आज ही कौन सुने हो एमएलए बड़े बात सुन लेगा के ओदे कौन सुने आराम से बकवास सुन करे दुआ ना मन छड़ा ना इसको ना डाटा मन ठीक है करवा ले जा कौन सा करेगा जा आजा कौन सा करेगा करवा दे जा पानी मार काम करने की डाल कर देगा और के करेगा रोटी तो मिलेगी कटक ले वीडियो तो बना सकू मैं वीडियो तो क्यों तमी मैंने छोड़ दो नमस्कार मैं आपका मित्र सर्व मित्र दोस्तों ऐसा लगता है निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को खत्म किया जा रहा है जो लोग सवाल करते हैं आवाज उठाते हैं उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा अगर आप दा मसला चैनल को पसंद करते हैं हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं जो मसले हम उठाते हैं वो आपको ठीक लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है पिछले तकरीबन 8 महीने से फेसबुक पर हमारे चैनल को भी बंद कर दिया गया है यानी पिछले 8 महीने से हम फेसबुक पर जो हमारा मेन पेज है दा मसला का उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और हमारी मेन इनकम वहीं से आती थी जिससे हमारे ऑफिस का खर्च निकलता था हमारे चैनल का खर्च निकलता था जो कि 8 महीने से हमारी इनकम बंद है हम सोच रहे थे ये चैनल दोबारा शुरू हो जाएगा ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा लेकिन वो हुआ नहीं हाँ YouTube पर हमारा चैनल चल रहा है लेकिन वहां पर भी हमारी रीच को कम कर दिया गया है सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता ऐसे ही चलती रहे तो फिर आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग करके यानी सहयोग राशि देकर पत्रकारिता को जिंदा बनाए रख सकते हैं आपको बताया दोस्तों हमने कभी समझौता नहीं किया सामने चाहे कोई भी हो हमने डंके की चोट पर सवाल किया है और प्रेशर के बावजूद भी हमने पत्रकारिता का अपना धर्म निभाया है पत्रकारिता को हमने जिंदा रखा है आपको भी पता है ज्यादातर मीडिया हमारे देश में नतमस्तक हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ मीडिया है सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ लोग जिंदा नजर आ रहे हैं आपको पता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और अगर मीडिया निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र को खतरा हो सकता है सो दोस्तों जैसे आप अखबार लेते हैं उसके पैसे देते हैं आप डिश टीवी लगवाते हैं चैनल देखने के लिए उसके पैसे देते हैं सो ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं आप उनका सहयोग करके निष्पक्ष पत्रकारिता को बचा सकते हैं
सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं, हमने हर तबके के मसले उठाए हैं दोस्तों, आपको पता है, और प्रेशर के बावजूद भी अभी तक ये सिलसिला हमारा जारी है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये पत्रकारिता ऐसे ही चलती रहे, हम मसले ऐसे ही उठाते रहें और अच्छा काम करें, ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएं, असलियत आपके सामने लेकर आएं, जो भी सच है वो आपके सामने आना चाहिए, तो आप इस चैनल को सहयोग राशि देकर यानी आर्थिक तौर पर मदद करके इस सिलसिले को जारी रख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बैंक खाता नंबर दे रहे हैं, एक बारकोड आपको दे रहे हैं। आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोग बारकोड पर स्कैन करके कोई भी चीज़ जो है उसकी पेमेंट करते हैं, तो आप इस बारकोड पर जाकर स्कैन करके हमारे चैनल को आर्थिक मदद कर सकते हैं, या बैंक खाता नंबर पर जाकर भी आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसा करेंगे, जितना आपसे बन सकता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता ऐसे ही जारी रहेगी और हम ऐसे ही मसले उठाते रहेंगे। धन्यवाद आपका।